रामपुर की आजम खां की बदली जा रही है जेल। रामपुर जेल से आजम को निकली है लेकर पुलिस। सीतापुर जेल में शिफ्ट हो रहे हैं आजम का। दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा मिली है 7 साल की। एमपीएमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है, लेकिन तीनों ही परिवार के लोग अलग अलग जेल में बंद रहेंगे। पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर जेल में ही बंद रहेंगे। बेटे अब्दुल्ला आपको ये बताया हरदोई जेल में होंगे शिफ्ट। वहीं आजम खां को सीतापुर जेल में शिफ्ट किया जा रहा है और आजम खां को लेकर निकली है पुलिस और उन्हें सीतापुर जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि आजम ने ये इच्छा जताई थी कि उन्हें रामपुर जेल में ही रखा जाए, लेकिन अब परिवार के 3 सदस्य जिनको 7 साल की सजा सुनाई गई है उन्हें सीतापुर जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। आजम खां रामपुर जिला कारागार से सपा नेता आजम खान को सीतापुर जिला कारागार लाया जा रहा है। कुछ ही घंटों के बाद में आजम खान सीतापुर जिला कारागार पहुंच जाएंगे। पिछले 2 साल से अधिक का समय आजम खान ने सीतापुर जिला कारागार में ही बिताया था। बेटे अब्दुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा हुई है। राजकुमार दीक्षित, जी मीडिया, सीतापुर। और हमारे